इंस्पेक्शन रिपोर्ट और वीएआई इज वॉलेंट्री एक्शन इंडिकेटेड। ये इंस्पेक्शन हुआ था 6 से लेकर 10 जून 2022 के बीच में और ये जुबिलेंट ट्रैक्सीमेज जो कि इसकी ओन सब्सिडरी है उसके लिए है। तो ये पॉजिटिव साइड पर आप इस पर नजर रखेंगे जुबिलेंट फार्मा पे। अब आती है सिप्ला की बारी। कंपनी को 6 ऑब्जर्वेशन मिले हैं गोवा इकाई को लेकर। पहले भी यहां पर इंस्पेक्शन हो चुका है सितंबर में, वार्निंग लेटर इशू हुआ था फरवरी में, फिर से इंस्पेक्शन हुआ 16 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में। और एक और बात जो सिप्ला ने बोली कि कोई भी डेटा इंटीग्रिटी ऑब्जर्वेशन नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद भी सिप्ला पे आप नजर रखेंगे। ग्लेनमार्क जहां पे कंपनी के गोवा इकाई को ओएआई यानी कि ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड के तौर पे क्लासिफाई किया गया है। प्लांट को इंस्पेक्ट किया गया था 12 से लेके 20 मई के बीच में 5 ऑब्जर्वेशन के साथ। अच्छा, ओएआई का क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि यूएस एफडीए विद होल्ड अप्रूवल ऑफ एनी पेंडिंग प्रोडक्ट एप्लीकेशंस और सप्लीमेंट्स फिल्ड विद दिस फैसिलिटी। तो ये ग्लेनमार्क के से रिलेटेड अपडेट है। तो इन तीनों के ऊपर आप नजर बनाकर रख सकते हैं, लेकिन सिप्ला के ऊपर आज मेजर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है।